आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी का मालपुआ। इसे रबड़ी से बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश है और ये राजस्थान में बहुत ही फेमस है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा होता है, बहुत लाजवाब ये मालपुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता गुप्ता रेसिपी सबसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए दूध को रिड्यूस करना होगा, तो कढ़ाई में मैं रिड्यूस कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा घी लगा दिया है चारों तरफ, जिससे ना दूध चिपकेगा नहीं, कढ़ाई में जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा रबड़ी तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर बुफेलो मिल्क लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम रहता है और जो रबड़ी तैयार होगी काफ़ी मात्रा में तैयार हो जाती है। तो इसे मीडियम से लो फ्लेम पर करके आप इसे रिड्यूस करें। तो जब दूध में उबाल आने लगता है और ये धीरे धीरे कम होने लगता है, तो किनारे इसके मलाइयाँ चिपकने लगती हैं। तो आप ना चम्मच से इसे निकालते रहें, नहीं तो बाद में क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा और बहुत ही हार्ड हो जाता है और डार्क हो जाएगा कलर आपकी रबड़ी का। और साथ साथ निकालते रहेंगे तो एकदम वाइट और मलाईदार रबड़ी तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी रबड़ी है वो काफ़ी थिक हो चुकी है और काफ़ी क्रीमी और मलाईदार हो गई है। तो सबसे लास्ट स्टेज में हम यहाँ पर ना शक्कर डालेंगे, जिससे रबड़ी में हल्की सी मिठास आ जाएगी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाला है और इसे फिर से हम मिला लेंगे। 2 मिनट इसे मिलाकर पका लेंगे और जो रबड़ी की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल आपकी ऐसी हो जानी चाहिए। आप जब इसे चम्मच में लें तो उसमें एक अच्छा लेयर आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से जब आपकी रबड़ी हो जाए तो आप इसे गैस से नीचे उतार लीजिए और जो साइड में लगा हुआ है थोड़ा बहुत उसे भी आप खुरच खुरच कर निकाल दीजिए और दूध में ही डाल दीजिए। बाद में सॉफ्ट हो जाता है और रबड़ी जब ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए, ठंडी होने के बाद रबड़ी कितनी थिक हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जितना मालपुआ बनाना चाहते हैं उतना रबड़ी हम निकालेंगे एक अलग बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 कप रबड़ी निकाली है एक अलग से बाउल में और इससे मैंने 7 से 8 मालपुआ बनाया है। और इस तरह से आप रबड़ी पहले ही बना कर रख सकते हैं, जब मालपुआ बनाना हो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ मैं मैदा डालने वाली हूँ। तो 3 बड़े चम्मच मैं मैदा डाल रही हूँ। यहाँ पर आपकी रबड़ी किस कंसिस्टेंसी में है, कितना बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैदा जाएगा। और पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटते रहिए ताकि जो रबड़ी है उसमें जो मलाई है वो भी टूट जाएगी। और इस तरह से जो हमारा बैटर है ना बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है और जब हम इसका मालपुआ बनाते हैं तो एकदम अच्छी तरह से उसमें जालियां पड़ती हैं और फूलती भी हैं। अभी ये थोड़ा सा थिक है कंसिस्टेंसी, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच में दूध डाला है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर थिक हो जाती है तो आप उसमें 1 बड़ा चम्मच दूध मिला लीजिए और मालपुआ की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो जब हम मालपुआ बनाएंगे ना तो ये अपने आप अपना शेप ले लेगा। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखिए। अब 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए ढककर साइड में। अब इसके बाद हम चाशनी बना लेंगे। तो 1 कप मैंने शक्कर लिया है और इसमें 1/4 कप पानी मैंने डाला है, यानी 3/4 कप पानी रहेगा, जिससे चाशनी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होगा, फटाक से पक जाता है। अब मीडियम से लो फ्लेम पे करके शक्कर को मेल्ट कर लीजिए। जब शक्कर मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर, जिससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा और कलर भी, और साथ में मैंने थोड़ा सा केसरी कलर भी डाल दिया है करीब 1 चुटकी के बराबर। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर। जो चाशनी है इसमें हम कोई भी तार वाली कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे। जब हमारी चाशनी थोड़ी थिक हो जाएगी, यानी थोड़ी सी चिपचिपी स्टिकी सी हो जाएगी, तब तक ही हमें पकाना है। तो जब आपकी थोड़ी सी चाशनी पक जाए तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिए ऐसे फिंगर में लगाकर। अब जब आप इसे टच करेंगे तो बिल्कुल स्टिकी स्टिकी जैसे लगेगा और जब इसे लिफ्ट करेंगे तो इसमें कोई भी तार नहीं बना रहेगा। तो ये चाशनी हमारी रेडी है। अब गैस को बंद करें और फटाफट इसे नीचे रख दें। और इसमें मैं थोड़ा इलायची का पाउडर डाल दे रही हूँ, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं या केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। चाशनी को हम ढक कर रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो।
अब मैं मालपुआ को फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने देसी घी में मालपुआ को फ्राई किया है, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। घी को हम मीडियम से थोड़ा कम ही गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और एक एक चम्मच करके बैटर को डाल देंगे। ये अपने आप शेप ले लेता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे इसको फ्राई होने दें, एकदम लो फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। बिल्कुल भी भूल कर भी इसका आँच तेज मत करिएगा। और ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। जब धीरे धीरे फ्राई होने के बाद साइड में हल्का हल्का जब ब्राउन कलर आ जाए, तो इसका मतलब एक साइड ये पक चुका है। तो उस समय आप इसे पलट दें, सावधानी पूर्वक पलटें। और इस तरह से जब आप पैन में बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से मालपुआ बनता है और ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। और दूसरी तरफ भी हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही मैं फ्राई कर रही हूँ पूरा मालपुआ। और देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है एकदम। और इसे हम निकाल लेंगे घी में से, घी को अच्छी तरह से निकलने दीजिए इसमें से। और फिर मैं इसी में दूसरा बैच भी डाल दे रही हूँ और इसे भी हम फ्राई होने देंगे। अब मालपुआ को हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी अभी गर्म है और मालपुआ भी गर्म है, तो जो मालपुआ है ना, हम चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी और मालपुआ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसको हल्का सा ढक दें, आधा कम से कम। और इस तरह से मैंने सारे मालपुआ को बनाकर चाशनी में छोड़ दिया है। करीब आधा पौन घंटे के लिए इसमें रहने दीजिए। इसके बाद हम इसे चाशनी में से बाहर निकाल देंगे। और जब आपको सर्व करना है तब आप इसे सर्व करिए, रबड़ी के साथ सर्व करिए, या फिर इसी तरह से सिर्फ चाशनी वाला मालपुआ ही सर्व कर दीजिए। क्योंकि ये जो मालपुआ की खासियत है ना, इसे रबड़ी में पकाया जाता है, इसलिए इसे रबड़ी मालपुआ कहा जाता है। और इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसको सजाने के लिए, दिखने में और भी खूबसूरत लगता है। बची हुई रबड़ी है उससे सजा लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश है, ज़रूर से बनाइए अपने मेहमानों के लिए और इसे सर्व करिए। सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है और तारीफ़ करते लोग थकेंगे नहीं, इतनी ये स्पेशल डिश और इतनी टेस्टी होती है। त्यौहार भी है इसमें, आप ट्राई कर लीजिए, फटाफट बनने वाली ये चीज़ है। और बनाकर आप रख लीजिए फ्रिज में, हफ्तों दिन तक तो ख़राब नहीं होगा। जब सर्व करना है तो ठंडी सी राबड़ी डालकर सर्व कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं मेरे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।